हेलो फ्रेंड्स, आज मैं निकला हूँ एक नई जगह की सैर पे और इस जगह का नाम है होनेड। ये केसकाल से अप्रोक्स 15 से 20 किलोमीटर के रेंज पे है और इस एरिया में एक काफ़ी फेमस जगह है। यहाँ पर शिवलिंग है एक, जिसको हम लोग गोबरेन टेम्पल बोलते हैं। ये काफ़ी फेमस जगह है। तो गोबरेन से लगभग 10 किलोमीटर के आगे ये हमको होनेड का झरना, जो जलप्रपात है, हमको मिलता है। इस जगह के बारे में ज़्यादातर लोगों को भी पता नहीं है। काफ़ी सारे लोग हैं जो इस जगह में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो इस झरने को अगर हमको देखना है तो हम लोग दो व्यू से देख सकते हैं। हम लोग ऊपर से भी देख सकते हैं और इसको हम लोग नीचे उतर के भी देख सकते हैं। तो बेटर व्यू आपको नीचे से ही मिलेगा और नीचे उतरने के लिए हमको खाई पे जाना पड़ेगा यहाँ पर। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पेड़ पौधे हैं, काफ़ी सारे पत्थर हैं और थोड़ा सा रिस्की लग रहा है जाने पर। तो आप जब भी जाते हैं यहाँ पर थोड़ा संभल के जाइए यहाँ पर, और कोशिश कीजिए कि आप अच्छे शूज़ पहन के आइए, क्योंकि अगर पानी बहुत गिरा है तो आपको पैर भी स्लिप हो सकता है, तो गिरने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो इस जगह पे हमको थोड़ा संभल के आना है। और जैसे कि हम लोग यहाँ पर नीचे उतर गए हैं, तो यहाँ का आप व्यू दे सकते हैं, काफ़ी प्यारा सा लग रहा है। यहाँ पर पानी है, पत्थर हैं, अच्छे अच्छे पेड़ पौधे हैं, काफ़ी हरियाली है यहाँ पर। और यहाँ का झरना का व्यू काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो काफ़ी बेहतरीन लगा मुझे, जैसे कि आप भी देख सकते हैं यहाँ पर। जो पानी ऊपर से गिरता है वो काफ़ी ऊपर से गिरता है, तो यहाँ से आप आके देखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पर आप आके नहा भी सकते हैं और काफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्लेस लगा मुझे। और सिर्फ झरने ही नहीं, और इस एरिया का काफ़ी हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, और ये केसकाल घाट का एरिया है, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर लुक आपको। और जब भी आप आएंगे तो आप एक चीज़ सबसे ज़्यादा खास आपको इन्जॉय कीजिए, जितना आपको झरना देखने में मज़ा आएगा उससे ज़्यादा आपको इस रोड पे बाइक चलाने या कार चलाने मज़ा आएगा। और काफ़ी अच्छा हरियाली है, रोड काफ़ी अच्छा बना है यहाँ पर, तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आती कि कहीं पर गाड़ी फंस जाएगी या कुछ प्रॉब्लम आएगी, ये सब कुछ भी नहीं यहाँ पर। तो आप भी अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आने का प्लान कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा जगह है, और पिकनिक करने के लिए या फिर वीकेंड्स में, लाइक सैटरडे संडे जब भी हमारी छुट्टी है, तो उस टाइम हम लोग यहाँ पर आके काफ़ी अच्छे इन्जॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस जगह पर विजिट कीजिए और इन्जॉय कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो।